सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी की रिट याचिका को खारिज करते हुए 50,000 की पेनाल्टी लगाई है। वसीम रिजवी ने याचिका दाखिल कर पवित्र कुरान की कथित 26 आयतें हटाने की अपील की थी। सर्वोच्च अदालत में जस्टिस आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक बिल्कुल मूर्खतापूर्ण रिट याचिका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिजवी ने याचिका में कहा था कि कथित 26 आयतों से कट्टरवादी सोच पैदा होती है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।